सिरसा 23 की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा 23 वेब चैनल में। मैं हूं प्रमोद और इस समय मौजूद हूं वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र वत्स के साथ त्रिवेणी शहर डबवाली में। जैसा कि आपको पता है कि 25 अगस्त को इस त्रिवेणी शहर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी रैली होने जा रही है, उसी को लेकर के आज 22 अगस्त को मैं यहां डबवाली में पहुंचा हूं और आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें डबवाली के गोल चौक की। इस समय मैं गोल चौक में मौजूद हूँ। जब भी आप डबवाली में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले ये गोल चौक आता है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं चौटाला रोड की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ये मलोट रोड है जहाँ से फ्लाई ओवर नज़र आ रहा है। एक तरफ बठिंडा की ओर रोड जाती है तो एक तरफ सिरसा रोड है। चार तरह का रोड है जहाँ ये बीच में गोल चौक बना हुआ है। आज गोल चौक की खूब अच्छी खासी सफाई भी नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं इस गोल चौक को भी नया रूप दिया गया है। रंग रोगन लिपाई पुताई इसकी की गई है, पौधारोपण भी इसमें किया गया है। गोल चौक पे अनेक होर्डिंग्स लगे हुए हैं आदित्य देवीलाल के, और चौटाला रोड पे भी हर खंभे हर स्ट्रीट लाइट पे आदित्य देवीलाल के पोस्टर लगे हुए हैं। रैली अध्यक्ष लिखा गया है। मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर के होर्डिंग और पोस्टरों से डबवाली शहर है वो सजने लग गया है। इसके साथ हम बात करें पीडब्ल्यूडी विभाग की, तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी आप देख रहे हैं कि बस स्टैंड के समक्ष है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की गाड़ियां खड़ी हैं और रोड है उसको पेच वर्क किया जा रहा है और डिवाइडर है उसकी भी जो है रंग रोगन किया जा रहा है डिवाइडर को लेकर के। कहीं ना कहीं विभाग है वो अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहा है, चूँकि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के डबवाली शहर की जो है साफ सफाई है वो की जा रही है। डिवाइडर पे रंग रोगन किया जा रहा है, होर्डिंग और पोस्टर से इस शहर को सजाया जा रहा है। और ये रैली, जैसा कि आपको पता है कि ये रैली अनाज मंडी में होने जा रही है, अगस्त को आयोजित होने वाली जिए जवान जिए किसान रैली के बाद इस डबवाली क्षेत्र में राजनीति के अलग समीकरण नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं इस रैली में ऐसा माना जा रहा है कि आदित्य देवीलाल हैं वो रैली के अध्यक्ष हैं और भीड़ जुटाने में वो कामयाब हो जाएंगे। इसी को लेकर के उनका भी राजनीतिक जो है कद है वो भाजपा में निश्चित तौर पर बढ़ना तय माना जा रहा है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।